कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी राजेश तिवारी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का आयोजन एक निजी हॉल में किया गया, जिसके संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष, न्याय पंचायत के अध्यक्ष के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रदेश के 75 जिलों में किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैडर व संगठन को मजबूत किया जाए, जिसके दम पर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी तथा महाराजगंज के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रशिक्षक तैयार होते हैं वो हमारे बीच है, हम सबको पूरे धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सुनना है और उससे ज्ञान प्राप्त करके हमें जाकर क्षेत्र के अंदर काम करना है। हम अनुरोध करेंगे आदरणीय सर, रुके लेंगे सर, बोलेंगे कि इस तरह की सब कांग्रेस के साथियों को जो तैयारी करनी है वो अपने मतदान केंद्र में हमको तैयार, तो सबसे पहले हम संगठन कैसे बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और न्याय पंचायत के अध्यक्षों को जो है और मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये प्रशिक्षण पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया गया है और इसका ये उद्देश्य है कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं की टीम बूथ स्तर तक जो है हम लोग खड़ा कर सकें, क्योंकि जब तक हमने देखा है कि बूथ स्तर पे पार्टी की मजबूती नहीं होगी तब तक चुनाव जीतने में परेशानी होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के 125,000 मतदान केंद्रों में और हमारे 60,000 न्याय पंचायत ग्राम सभा हैं वहाँ पे हमारी बूथ कमेटी गठन करने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहला तो ये है कि कैडर तैयार करना, कांग्रेस का संगठन तैयार करना, उसके साथ साथ कैसे किस प्रकार से चुनाव में हमको काम करना है और ख़ासकर जो मोदी सरकार की और योगी सरकार की जो विफलताएँ हैं, उनके जो झूठे वादे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है, कांग्रेस की जो उपलब्धि रही है, कांग्रेस जब भी सरकार में रही तो जो काम वो किए हैं और सपा और बसपा की विफलताएं हैं, ये सब कार्यकर्ताओं को बताकर उनको आम मतदाताओं तक ले जाने के लिए ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये प्रशिक्षण है जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ग्राम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पंचायत न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस की नीतियों के बारे में और कांग्रेस ने क्या किया है इस सब बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाहर से प्रशिक्षक आए हुए हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको समझाएंगे। उसी के लेकर सब तैयारियां चल रही हैं और हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा है पिछले एक हफ्ते के अंदर, कोई ऐसा गांव बचा नहीं यूपी में जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता न पहुँचा हो।